appreciate and reward the hard work and performance of the student in this painting competition on energy conservation. First of all, I request our general manager, sir, Sri Vikram Singh, sir, to kindly welcome our guest and dignitaries present on the stage with a traditional welcome. Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power has been organizing this state level painting competition and national level painting competition since 2005 in all the states, 36 states and union territories since 2005, and with the help of Power CPSUs, NHPC has been nominated as the nodal agency for UT of Ladakh. This year the theme of painting competition was Azadi Ka Amrit Mahotsav, Energy Efficient India, and Azadi Ka Amrit Mahotsav, Cleaner Planet. It goes to Laskit Dolma Moravian School, 9th standard. Group B. The second prize goes to Jigmes Sewang Norbu, Druk Padma Karpo, say 9th standard. Consolation prize goes to Jibun Nisha, Kendra Vidyalaya, class 7 standard. Jigmet Gachin, Lambton. Stanjin Tesla, Lambton School. Study. Group B consists of students from class 6 to class 8 to class 10th.
fourth consolation goes to Stanjin Ordon Moravians. संजीव कुमार ने पूरे कार्यक्रम को संपन्न करना वट वी जनरली सी इज दैट द स्टूडेंट्स द पार्टिसिपेशन गोज डाउन एंड देर इज एब एंड फ्लो इन द टोटल पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट इवेंट्स बट वेन संजीव जी केम टू मी एंड ही विद देयर इनिशिएटिव एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट देयर ओवरऑल प्रोग्राम वी थॉट इट वुड बी अ गुड एक पेंटिंग कंपटीशन कराया है और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आपने इतने सारे स्कूल्स को इन्वॉल्व किया है. मेरे ख्याल से शायद ही कोई स्कूल बच गया होगा जो इर्द गिर्द है, जहां से आज हमने देखा नहीं लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए और प्राइज जीतते हुए बच्चों को. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने समझा भी होगा इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते वक्त कि एनर्जी कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है. समझा है कि नहीं? समझा है ना? तो अगर आप लोगों ने समझा है तो हमारा काम पूरा हो गया है. आज आप लोग कोट पैंट डाल के आए हो, जैकेट्स डाल के आए हो, किस लिए आए हो? क्योंकि आप अपनी बॉडी का एनर्जी कंजर्व कर रहे हो. बॉडी का एनर्जी बॉडी के अंदर ही रहे, ज़ाया ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए. उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि धरती के ऊपर जो जनरल या नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है सूरज से मिलती है, या जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मिलती है उनका हम इस्तेमाल करें और उसको कंजर्व करें और ऐसे मीन से एनर्जी प्रोड्यूस ना करें जिससे धरती को नुकसान पहुंचे. तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जब ये एक्सरसाइज किया है पेंटिंग कंपटीशन का तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा होगा, पेरेंट्स को कंसल्ट किया होगा, अपने से बड़ों को कंसल्ट किया होगा, अपने टीचर्स को कंसल्ट किया होगा या अपने दिमाग में सोचा होगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी समझा और साथ के साथ जो आपके अंदर स्किल था एक पेंटिंग करने का, आर्टिस्ट बनने का, उस स्किल को भी आपने इस्तेमाल किया और अपने आप को एक्सप्रेस किया. आप लोगों से हम लोगों को बहुत उम्मीद है. आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो, कोई क्लास 5 का है, कोई 6 का है, 10 तक के बच्चों को आज हमने प्राइज दिया है. आप लोग आने वाली जनरेशन हो, आप लोगों ने इस धरती को संभालना है. आप लोग सही काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, अपने स्किल्स को, हुनर को संभालो, उसको और नर्चर करो और आगे बढ़ो, यही हम सब चाहते हैं. तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे और हमारे धरती को संभाल के रखोगे, मैं आप सबको एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं. थैंक यू. कौन से स्कूल से? मेरा नाम लेस्की डोलमा है और मैं मॉडर्न मिशन स्कूल में पढ़ती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बचपन से पेंटिंग करने का शौक़ था और मैंने कुछ क्लासेस भी ली थे लास्ट ईयर पेंटिंग में. तो
पेंटिंग क्लीनर प्लैनेट पे मैंने दिखाया था, क्लीनर प्लैनेट, तो मैंने क्लीनर प्लैनेट को एक ह्यूमन में रिप्रेजेंट किया था कि अगर हमें क्लीनर प्लैनेट चाहिए तो लाइक स्टार्ट हमसे होगा, अगर हमें अगर क्लीनर प्लैनेट चाहिए तो हम हमें कंट्रीब्यूट करना होगा नेचर को क्लीनर प्लैनेट के लिए। उसी तरह से मैंने एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट किया जो नेचर को दिखाता है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मैंने उन जब मैं पेंटिंग करती थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसी वजह से उन्होंने मुझे आर्ट क्लास में भी भेजा था, उस तरह से सपोर्ट करते, और इसी पेंटिंग के दौरान भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा नाम सोनम चुपेल है और मैं ड्रुप परमाकरपुर स्कूल से हूँ। मुझे पहला मेरा ये जो है अपॉर्चुनिटी है और मैं उसको ले पाया और इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम अपने धरती को कैसे संभाल रहे हैं, और बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और उसमें बहुत वो जो है पेंटिंग में अपना स्किल जो दिखाने का मौका है वो मुझे मौका मैंने पाया है, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा। तो मैंने पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश की कि हमें अपने जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो उसको कैसे अच्छे से यूज़ करें, और फिर से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको यूज़ करते हैं, और जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है उसको हम कम यूज़ करें क्योंकि उससे हमारे धरती प्रदूषित भी हो सकते हैं। ऐसा है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2005 से हर साल ऊर्जा संरक्षण पर ऐसे स्टेट लेवल नेशनल लेवल कंपटीशन है जो पेंटिंग के वो करवाती आ रही है। तो उसमें से एनएचपीसी को यूटी लद्दाख का नोडल एजेंसी है जो वो बनाया गया, तो उसी के चलते हमने ये दो जगह जो पेंटिंग कंपटीशन है वो आयोजन किया है इनका। कारगिल में 2 दिसंबर को किया था और लेह में 5 दिसंबर को, जिसमें हमें 450 बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है वो मिली इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा एक उत्साहित कदम है हमारे लिए भी और बच्चों में भी, जो ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम लोग ऊर्जा को कैसे बचाना है उस पर बच्चों को जागरूक कर सकें। बच्चे जागरूक होंगे तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक होंगे, क्योंकि लद्दाख जैसे एरिया में बिजली की बहुत ही स्केयरसिटी है, बहुत कमी है। आपने देखा होगा जब से एनएचपीसी का निमोबाजगो प्रोजेक्ट व कारगिल में चुटक प्रोजेक्ट कमीशन हुए हैं, तब से लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो उसके चलते हम चाहते हैं कि सभी बच्चों तक और सभी लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि इस ऊर्जा को हमने कैसे बचाना है और इसका सही उपयोग हमने कैसे करना है। तो आपने देखा होगा बच्चों में बहुत ही उत्साह पाया गया इस पेंटिंग कंपटीशन में, जिसमें से आज ग्रुप ए जिसमें 5वीं से 7वीं कक्षा तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको प्राइज दिए, और जो ग्रुप बी है जिसमें 8वीं से 10वीं कक्षा तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से 1st, 2nd, 3rd और 10-10 हैं जो कंसोलेशन प्राइज हैं जो वो दिए गए। तो प्राइज की जो राशि है वो भी फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 30,000 और जो थर्ड प्राइज था वो 15,000। इसके साथ ही जो कंसोलेशन प्राइज थे वो 7,500 हर एक बच्चे को दिया गया है।